टॉर्चर हो रहा है, मेरे आंखिया में पानी आ गया, एक कमीना हराम गलीज मैं बोलता हूँ, टीवी वाला कैमरा ले ले को एक भाई को बच्ची के पीछे भाग ले को जाता, वो देख को मेरे आंखिया में पानी आया जी। अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड वेलकम टू आई एम वॉइस, मैं मोहम्मद ज़िक्रिया। एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में इमरान पाशा एक्स कॉरपोरेटर पादरायनपुरा ने कहा था कि उन्होंने अपनी फैमिली फंड्स में एक मस्जिद की तौसी के लिए फंड्स दिया था, और आज हम इसी सिलसिले में बात करेंगे। बेंगलुरु अखबार के एडिटर इन चीफ अशफाक अहमद सिद्दीकी और आई एम वॉइस के मोहम्मद ज़िक्रिया से एक्सक्लूसिव बात करते हुए इमरान पाशा ने अपना गुस्सा ज़ाहिर करते हुए कहा कि कैसे हम कौम की बच्चियों के पीछे टीवी चैनल्स वाले भागते हुए फुटेज ले रहे थे जब वो हिजाब पहनकर स्कूल जाना चाहती थी। और इसी बात को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने कहा कि जो मस्जिद का एक्सटेंशन के लिए 60 लाख रुपए दिए हैं, उसी जगह मस्जिद के एक्सटेंशन के साथ साथ एक गर्ल्स स्कूल बनाने का अहद किया है, और ये भी कहा कि हर एक मज़हब की बच्चियां इस स्कूल में पढ़ेंगी। ये जो आप वीडियो देख रहे हैं ये उसी मस्जिद और स्कूल की एक्सटेंशन के लिए पैसा दिया जा रहा है। अगर हर एक साहिब हैसियत ये अहद कर ले कि हमारे डिस्ट्रिक्ट में 5 से 10 स्कूल मुस्लिम्स के रहेंगे तो इतनी रसवाई हमें झेलनी नहीं पड़ेगी। आज हमारे कौम के भाई को बच्चे हमारे कौम के भाई को बच्चे के ऊपर जुल्म हो रहा, हमारे कौम के भाई के बच्चे के ऊपर इतना 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 टॉर्चर हो रहा है, मेरे आंखिया में पानी आ गया, एक कमीना हराम गलीज मैं बोलता हूँ, टीवी वाला कैमरा ले ले को एक भाई को बच्ची के पीछे भाग ले को जाता, वो देख को मेरे आंखिया में पानी आया जी। टीवी का एंकर आंखिया में पानी आया, हमारे संभालना नहीं हुआ, फिर भी अल्लाह को सब का अल्लाह तुझ इसका फैसला कर, हमें तेरे सिवा किसी को नहीं मानते, देने वाली जात तेरी, हमारी ताकत क्या भी नहीं है, सब तेरा ही है कर को बोल को अल्लाह के ऊपर छोड़ को, हमें झाले को ही काम कर ले को ही, हमारे से जो होता हमारी कौम को बचाने के वास्ते, हमें क्या भी यहाँ परमानेंट रहने आको नहीं, ये सियासत भी परमानेंट नहीं है, ये लीडरशिप भी परमानेंट नहीं है, बुलावा आगा तो चलते रहना, लेकिन जब तक ही हमें चार के वास्ते अच्छा काम करके जाना पॉलिटिक्स में ही, लेकिन हमारा जब हमें दिल से फैसला लेना पड़ता, इसी वजह से ये हिजाब के मसले को लेकर हमारे ताया फारूक साहब जब जिंदा थे तो उन्होंने हमारे मोहल्ले के अंदर पादरेनपुरा में एक मस्जिद को जगह ले को थे, नाम रख को थे, मस्जिद जो है पहले से थी, नमाजियाँ बढ़ जाने की वजह से, जगह की किल्लत की वजह से वहाँ पर ज़रा ज़्यादा कंजेशन होगा, तो मस्जिद को जगह लेना बोल को हमें सोचे, तो अल्हम्दुलिल्लाह कल मस्जिद कल नहीं परसों मस्जिद के वास्ते जगह लिए। अब जगह लेने के वक्त ये हिजाब का मसला जो चल को हमारे भाई को बच्चों को हमारे कौम के बच्चों को जो तकलीफ़ हो रही है, ये सोच को हमें क्या करे कर को बोले तो मस्जिद जो है उसके साथ अब पूरी जगह लिए, उसमें आधी जगह मस्जिद को मिला दले सरका, आधी जगह में हमें स्कूल बनाए सरका, हमारे भाई को बच्चों को फ्री इंग्लिश मीडियम स्कूल बना को दिए सरका, ये कॉन्सेप्ट हमें करे 60 लाख रुपए में, मैं मेरा भाई उमर असगर हमें सब मिलकर लिए, 2 करोड़ का प्रोजेक्ट है, वो ज़मीन की खरीदी होगी, अब इंशाअल्लाह वहाँ पर जो है हमें, अब ये नो बोलती मुसलमाना को नहीं जमाना, मुसलमाना को नहीं रखना, खाली हिंदुआ रहना कर को, ये काम जो हमें करनी ओपन हमें सबको बोलती, ये हमें जो हमारी स्कूल बनेंगी मस्जिद के साथ अटैच्ड, मस्जिद का गेट अलग होता, स्कूल का गेट अलग होता, हमें हिंदू भाइयों को भी वेलकम करती, तुम्हारे बच्चे भी रहे तो भेजो हमारे स्कूल में, हमें उनको पढ़ा लिखा को फ्री एजुकेशन दे को इंसाना बना।